दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में KGF चैप्टर 1 के जो मेन विलेन थे, जिनका नाम उस फिल्म में गरुड़ा था और उनका रियल नाम रामचंद्र राजू है। दोस्तों, उनकी बायोग्राफी के बारे में, उनके जो स्टोरी है, उनकी स्टोरी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें। एक हीरो की महानता तभी साबित होती है जब उनके सामने उसके टक्कर का विलेन हो। KGF चैप्टर 1 में रामचंद्र राजू ने KGF गोल्ड माइन के मालिक सूर्यवर्धन के बड़े बेटे गरुड़ा का रोल निभाया था। रामचंद्र राजू का काम बेहतरीन था और वह अपने रोल में बहुत अच्छे भी लगे थे। दिलचस्प बात यह है कि KGF चैप्टर 1 से पहले एक्टर थे ही नहीं गरुड़ा, बल्कि वह तो लंबे समय से यश के बॉडीगार्ड थे। दोस्तों, सुपरस्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 1 ने इतिहास रचा था और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री सहित भारत भर में कई रिकॉर्ड भी तोड़े थे। अब जब इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आने वाला है, हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गरुड़ा की, जो मेन विलेन का रोल निभाया था KGF फिल्म में, जिसका नाम गरुड़ा था और इनका रियल नाम रामचंद्र राजू है। KGF चैप्टर 1 में एक्टर यश सहित श्रीनिधि शेट्टी, अर्चना जोइस और अन्य कई एक्टर्स ने काम किया था और विलेन का रोल गरुड़ा ने निभाया था, जिसका रियल नाम है रामचंद्र राजू। फिल्म सुपरहिट हुई थी और इसकी वजह से यश को देश और दुनिया भर में पहचान मिली और उनका बड़ा फैन बेस तैयार हुआ। लेकिन एक हीरो की महानता तभी साबित होती है जब उनके सामने उसकी टक्कर का विलेन हो। KGF चैप्टर 1 में रामचंद्र राजू ने KGF गोल्ड माइन के मालिक सूर्यवर्धन के बड़े बेटे गरुड़ा का रोल निभाया था। रामचंद्र राजू का काम बेहतरीन था और वह अपने रोल में बहुत अच्छे भी लगे थे। रामचंद्र के बढ़िया अभिनय और खूंखार अंदाज से न सिर्फ उन्हें सराहना दिलाई, बल्कि साउथ सिनेमा में काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी दिलवाए उनको। इसमें डायरेक्टर कार्तिकी, फिल्म सुल्तान भी शामिल है, साथ ही एक्टर अर्जुन सरजा, जयम रवि आदि काम कर रहे हैं। लेकिन रामचंद्र राजू के बारे में दिलचस्प बात यह है कि KGF चैप्टर 1 से पहले एक्टर थे ही नहीं, बल्कि वो तो लंबे समय से यश के साथ और बॉडीगार्ड थे। यश और रामचंद्र लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं और दोनों ने साथ में काम करने को लेकर बातें भी की थी, जो KGF में मुमकिन हुआ। असल में डायरेक्टर प्रशांत नील ने यश के साथ स्क्रिप्ट डिस्कशन के दौरान राम को देखा था और उनसे गरुड़ा के रोल के लिए ऑडिशन देने को कहा था। इसके बाद रामचंद्र राजू ने एक साल तक फिल्म की वर्कशॉप्स में हिस्सा लिया और जिम में पसीना बहाया, जिससे वह यश को टक्कर देने लायक बने और विलेन का रूप में उन्होंने अपने पूरे शरीर को ढला। डायरेक्टर प्रशांत को रामचंद्र का डेडिकेशन पसंद आया और उन्होंने राम को फिल्म में साइन कर लिया। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में बात करते हुए रामचंद्र राजू ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे KGF 1 का हिस्सा बनकर बेहद खुशी हुई। मैंने फिल्म और अपने रोल से इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। फिल्म के रिलीज होने के बाद मुझे इस फिल्म की सफलता का अंदाज़ा नहीं था और तब मुझे समझ आया कि KGF सही में एक मेगा प्रोजेक्ट था। दोस्तों, आपको बता दें कि KGF चैप्टर 1 साल 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ऐसा करने वाली यह पहली फिल्म कन्नड़ फिल्म थी। इसके साथ KGF 1 चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी डब फिल्म भी थी। इतना ही नहीं, KGF पाकिस्तान में रिलीज होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म थी। इस फिल्म के चैप्टर 2 का टीजर आखिरकार रिलीज हो चुका है। इसको देखने के बाद फैंस के बीच उत्साह और ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान अभी भी नहीं किया गया है। दोस्तों, KGF चैप्टर 2 में संजय दत्त भी नज़र आएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।